उम्मीद। नर्मदा जिले के एकता नगर केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आते हुए प्रवासियों के लिए ई रिक्शा सेवा पिछले कई समय से शुरू की है। हालांकि ये रिक्शा जो है वो महिलाएं चला रही है। आप यहां पर वीडियो में देख सकते हो मेरे पीछे का ये जो भाग है, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा जो यहां पर जो महिलाएं चला रही है वहां का ये चार्जिंग स्टेशन है। हालांकि कल रात को यहां पर 10 से भी ज़्यादा रिक्शा जलकर राख हो गई है और यहाँ पर यह घटना बाहर ना आए इसलिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा पर्दे लगाए गए हैं, जिसको लेकर यह घटना छुपाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो, मैं मेरे कैमरा मैन से कहना चाहूँगा, आप तस्वीर में देख सकते हो यहाँ पर वीडियो में कि ये जो रिक्शा स्टैंड है, यहाँ पर ये जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ पर कल रात को आग लगी थी और आग लगने के कारण यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा जो रिक्शाएँ हैं वो जलकर राख हो गई है। हालांकि घटना की जान होते हुए ही तत्काल पुलिस यहाँ पर घटनास्थल पर आई है और यहाँ पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त रख दिया गया है। हालांकि यहाँ पर यह रिक्शाओं में आग कौन से कारणों से लगी वह कारण अभी तक बाहर आया नहीं है। कैमरामैन शंकर भाई तरवी के साथ गौतम व्यास, गुजरात, नर्मदा। ઓથોરિટી કોણ આપી, કોને ના પાડી કે પ્રેસ એલાઉડ નથી? તમે શું બોલ્યા હમણાં કે પ્રેસ એલાઉડ નથી? તમને કોને ઓથોરિટી આપેલી છે મને કહો, ચાલો, કે પ્રેસ ને એલાઉડ નથી? બોલો શું નામ છે તમારું, તમે કયા કારણ કયા હોદ્દા પર અહીંયા ઉભા છો? જવાબ આપો, જવાબ આપવાની તાકાત ન હોય તો પ્રેસને શું કામ સવાલ કરો છો તમારો? આ એના અધિકારી છે, સાધન છે SOU ના, એમની પોતાનો હોદ્દો કહેતા નથી ને કહે છે પ્રેસ એલાઉડ નથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કેવડિયા કોલોની।